हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैरीनाइडो पर। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फॉल मूवी को, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें दो लोग दिखाई देते हैं, जिसमें से एक का नाम डैन, एक का नाम बैकी होता है, और ये दोनों कपल्स रहते हैं। फिर वहाँ पर हमें एक तीसरी लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम हंटर होता है। फिर कुछ समय बाद डैन की ऊपर से गिरकर मौत हो जाती है, ये देखकर बैकी बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम बैकी को देखते हैं जो एक बार में बैठकर शराब पी रही होती है, और वो डैन को कॉल ट्राई करती है। फिर वो एक वॉइस मेल भेजती है जिसमें वो कहती है, हे तुम्हारी याद आ रही है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं बैकी बाहर से बाहर आती है, तब उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। दरअसल वो बैकी के डैड थे। बैकी उनसे कहती है कि आप मेरा पीछा कर रहे हैं। फिर उन दोनों के बीच बहस होने लगती है। बैकी के डैड उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर डैन तुम्हारी जगह होता तो वो शराब में गम में नहीं डूबता, और उसे बहुत समझाने के बाद बैकी वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, बैकी को देखते हैं जो बहुत रो रही होती है। डैन को कॉल लगाने की कोशिश करती है और कुछ दवाइयाँ खाने की कोशिश करती है, तब अचानक उसे एक कॉल आता है जो कि उसी लड़की हंटर का होता है। अगले सीन में हम उस लड़की को बैकी के घर पर देखते हैं जिसे बैकी के डैड ने ही भेजा था। वो बैकी को समझाती है और उसे एक टीवी टावर की फ़ोटो दिखाती है। बैकी उसे मना कर देती है और रोने लगती है। सीन चेंज होता है, अगली सुबह हम देखते हैं कि बैकी उस जगह जाने के लिए मान जाती है। फिर वे दोनों वहाँ जाने के लिए चल पड़ते हैं। सीन रात में शिफ्ट होता है जहाँ वो दोनों एक होटल में बातें करते नज़र आते हैं। फिर अगली सुबह बैकी एक भयानक सपने के साथ उठ जाती है। फिर वे दोनों टीवी टावर के लिए निकलते हैं। वीडियो बनाते समय उनका एक्सीडेंट होने ही वाला होता है कि वह बच जाता है। कुछ ही दूरी पर टावर होता है, लेकिन उस जगह जाने वाले गेट पर ताला होता है, तो वे दोनों पैदल ही जाने का डिसाइड करते हैं। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें कुछ गीदड़ दिखाई देते हैं जो कि किसी जानवर का मांस खा रहे थे। वे दोनों उन गीदड़ों को भगा देते हैं। फिर अगले सीन में वो उस टावर के पास खड़े हुए दिखाई देते हैं जो कि 1800 फीट की होती है। बैकी घबरा जाती है और उस कहती है कि मैं ये नहीं कर सकती। तब हंटर उसे समझाती है, उसे हिम्मत देती है। फिर वे दोनों टावर पर चढ़ाई करते हैं, पर बैकी बहुत घबरा रही होती है। वे दोनों आधे रास्ते पर पहुँचते हैं। बैकी कहती है, मुझे प्यास लगी है, क्या हम थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। फिर वे दोनों आराम करते हैं। फिर वे दोनों आगे बढ़ते हैं, तब टावर का एक स्क्रू गिर जाता है। आखिर वे दोनों टावर के ऊपरी हिस्से पर पहुंच जाते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं और फोटो वीडियो निकालने लगते हैं। फिर हंटर उस टावर से एक हाथ छोड़कर लटकने लगती है। बैकी उसे मना करती है। फिर हंटर ऊपर आ जाती है और बैकी को कहती है, अब तुम्हारी बारी। बैकी डरते डरते वो स्टंट ट्राई करती है और जल्दी से ऊपर आ जाती है। फिर वे कहते हैं, अब घर जाने का समय आ गया है। फिर बैकी जैसे ही नीचे उतरने लगती है तो उस टावर की सीढ़ियाँ टूट जाती है और बैकी गिरने ही वाली होती है, तो हंटर उसे बचा लेती है। हंटर रस्सी खींचने लगती है और उसे ऊपर खींच लेती है। वो दोनों सोचने लगते हैं कि नीचे कैसे उतरे, लेकिन उतरते समय बैकी का बैग नीचे गिरकर अटक जाता है। उन दोनों के फ़ोन पर कोई सिग्नल नहीं होता है। फिर उन्हें उसी टावर पर एक बॉक्स दिखता है जिसमें दूरबीन और एक गन मिलती है उन्हें। फिर हंटर की नज़र बैकी पर जाती है, उसे चोट लगी थी। हंटर अपना शर्ट उतारकर जख्म बांध देती है। फिर हंटर सिग्नल के लिए मोबाइल को बांध कर नीचे धीरे धीरे कर रही होती है। फिर वो खुद नीचे लटकती है मोबाइल सिग्नल के लिए, लेकिन सिग्नल न मिलने की वजह से वो वापस ऊपर आ जाती है। फिर अपने मोबाइल को बैकी के शू में डालकर नीचे फेंक देती है। फिर वे दोनों दूरबीन से नीचे देखते हैं जहाँ उन्हें एक आदमी और एक उसका डॉग दिखता है। वे दोनों मदद के लिए आवाज़ लगाते हैं, लेकिन वो आदमी जाने लगता है। तब वे अपने शू नीचे फेंक देती है। आदमी शू देखता है, फिर यहाँ वहाँ देखता है, लेकिन ऊपर नहीं देखता और जाने लगता है। फिर उनको एक वैन दिखती है, तो वे सूरज ढलने का इंतज़ार करती है ताकि उस बंदूक से आग जलाकर इशारा कर सके। रात होते ही बैकी गन चलाती है, लेकिन वो काम नहीं करती। फिर और एक बार ट्राई करती है, तब वो फायर हो जाता है, तो दो आदमी उन्हें देख लेते हैं। बैकी और हंटर को लगता है कि वे मदद करेंगे, लेकिन वे दोनों इनकी कार चुरा कर भाग जाते हैं। रात में हंटर नींद में गिरने वाली होती है, तो बैकी उसे बचा लेती है। अगली सुबह हंटर बैग लेने के लिए नीचे उतरती है और रस्सी छोटी होने की वजह से वहीं नीचे जंप करती है और बैग के पास पहुँच जाती है। फिर बैग को रस्सी पर बांधकर उस पर कूद जाती है और ऊपर चढ़ने लगती है। तब रस्सी फिसल जाती है और हंटर बीच में ही अटक जाती है। उसके हाथों पर चोट लगती है, इसलिए बैकी उसे ऊपर खींचने लगती है। फिर वे पानी पीते हैं और नीचे
चिट्ठी लिख के अपने ड्रोन पर लगा देते हैं और ड्रोन उड़ा देते हैं, लेकिन ड्रोन की बैटरी लो होने की वजह से वो ड्रोन को वापस ले लेती है। फिर रात में बैकी को बुरा सपना आता है जिसमें गेंद उस पर हमला करते हैं और हंटर को मार देते हैं। डर की वजह से वो चिल्लाकर उठती है तो हंटर उसे संभालती है। अगली सुबह ड्रोन को चार्ज करने के लिए बैकी ऊपर की तरफ बढ़ती है। चार्जिंग करते समय गेंद उस पर हमला करते हैं, लेकिन ड्रोन को फुल चार्ज करके ही वो नीचे आ जाती है और ड्रोन को वापस उड़ाते हैं। नीचे ड्रोन किसी ट्रक से टकरा जाती है और क्रैश हो जाती है। फिर बैकी और हंटर आपस में बातें करते दिखाई देते हैं। तब यहाँ पर एक बड़ा राज पता चलता है। तब यहाँ पर एक सस्पेंस खुलता है कि हंटर जब नीचे गिरी थी वो तो तभी मर गई थी, लेकिन बैकी अपने साथ ही महसूस कर रही थी कि हंटर उसके साथ ही है। बैकी जब नीचे देखती है तो उसे हंटर की लाश दिखाई देती है जिसे गिद्ध नोच नोच कर खा रहे थे। वो बहुत रोने लगती है, उसे अपने पापा की भी बहुत याद आती है। अगली सुबह एक गिद्ध बैकी के पास आकर उसके जख्मों को खाने लगता है तो बैकी उसकी गर्दन पकड़कर उसे मारने लगती है और उसे जान से मार देती है और उसे ही वो खाने लगती है। फिर बैकी नीचे हंटर की लाश के पास उतरती है और एक मैसेज लिखकर अपने फ़ोन में हंटर के एक शू में डालकर हंटर के पेट के अंदर डालकर हंटर की लाश को नीचे फेंक देती है। सीन चेंज होता है जहां हमें बैकी के डैड दिखते हैं जो उसे ढूंढते हुए उसी टावर के पास पहुंचते हैं जहां पुलिस पहले से ही होती है और बैकी के डैड को रोक लेते हैं। फिर बैकी के डैड को लगता है कि वो लाश बैकी की है। फिर हम देखते हैं कि बैकी वहाँ नीचे सेफ होती है और अपने डैड के साथ घर चली जाती है और यहीं पर मूवी की एंड हो जाती है। तो गाइज़ अगर हमारे एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।